वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट सुब्रत और आप देख रहे हैं हेल्थ और फिटनेस चैनल फिट गुरु। फिट गुरु के ये एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे विटामिन के कुछ अनटोल्ड फैक्ट्स के बारे में। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। एसेंशियल मतलब ये आपका बॉडी खुद नहीं बनाती है, इसके लिए आपको बाहर से मतलब विथ फूड के साथ आपको ये इंटेक करना पड़ता है। चलिए बात करते हैं अभी विटामिन के करेक्ट डोजेस के बारे में। एज पर RDA मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से विटामिन का डोजेस ऑल विटामिन का डोजेस ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। कुछ विटामिन का RDA वैल्यू एस्टेब्लिश नहीं है, उस जगह में आप यूज़ कर सकते हैं AI एडिक्वेट इंटेक वैल्यू। ऑल विटामिन्स एंड मिनरल के लिए एक UI वैल्यू ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, दिस इज़ द अपर इंटेक टॉलरेबल लिमिट है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो विटामिन का जो डोजेस है इसके ऊपर जाने से आपका बॉडी में इसका कुछ साइड इफेक्ट या तो टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे विटामिन ए और डी ये तो फैट्स सॉल्युबल विटामिन है, ये बॉडी में आपका स्टोर होता है। विटामिन ए का ज़्यादा इंटेक से आपके बॉडी में जैसे ब्लरी विजन, नौसिया, वॉमिटिंग, हेडेक जैसे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और विटामिन डी का भी कुछ साइड इफेक्ट होता है, जैसे आपका बोन डेंसिटी का कम हो जाना, किडनी स्टोन होना, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को आपका ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम का जो अमाउंट है वो बढ़ा देती है। तो इसलिए कि किडनी में किडनी स्टोन होने का चांसेस, इवन के किडनी फेलियर होने का चांसेस भी रह जाता है। नौ अभी ये क्वेश्चन आता है कि ये विटामिन का डेली इंटेक कैसे होना चाहिए। इट इज़ रिकमेंडेड कि विटामिन का जो इंटेक है ये आपको फूड डाइटरी जो फूड है उससे ही होना चाहिए। सप्लीमेंट बेसिकली एक न्यूट्रिशन गैप जो आप फूड से लेते हैं उसका न्यूट्रिशन गैप फुलफिल करने के लिए सप्लीमेंट होता है। तो बेसिकली आप सप्लीमेंट में ज़्यादा भरोसा मत करें। सप्लीमेंट एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि विटामिन इंटेक मतलब कोई सप्लीमेंट इंटेक करना नहीं है। सप्लीमेंट इज़ ओनली फॉर फुलफिल द न्यूट्रिशन गैप। आप जो फूड इंटेक कर रहे हैं उसका जो न्यूट्रिशन गैप है उसको फुलफिल करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत सारे विटामिन है, आपको अगर बोला जाए कि विटामिन लेना है मतलब आप जाए कुछ मार्केट से विटामिन खरीद ले, मल्टी विटामिन जो मिलते हैं खरीद ले और उसके हिसाब से आपका विटामिन का डेली का न्यूट्रिशन जो है वो आपका फुलफिल हो जाए, ऐसा नहीं है। पहले तो आप अपना डाइट को ठीक करें, उसके साथ आप विटामिन ले सकते हैं जो आपका न्यूट्रिशन गैप है उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी आप विटामिन खरीदे तो उसमें कुछ विटामिन का जो वैल्यू है वो RDA के वैल्यू के हिसाब से दिया जाता है, या तो कुछ वैल्यू जो है वो UI के थोड़ा नज़दीक भी होता है। तो ये हमेशा विटामिन प्रोफाइल को देख के विटामिन का इंटेक कीजिए कि आपको डेली क्या कितना जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल या जो भी हो टैबलेट्स हो कितना इंटेक करना चाहिए। ये RDA वैल्यू बनाया गया है एक एवरेज पर्सन जिसका डेली एवरेज कैलोरी इंटेक 2000 कैलोरी है उसके हिसाब से ये RDA वैल्यू बनाया गया है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि आपका जैसे जो एथलीट या बॉडी बिल्डर होता है उसका कैलोरी इंटेक काफ़ी हाई होता है, तो उसके लिए शायद आप थोड़ा विटामिन का इंटेक आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। बट यू शुड मस्ट कंसल्ट विद योर फिजिशियन और जो कोच है उनके साथ बात करके आप ऐसा कर सकते हैं।